छोटा कालू हमारा सबसे अच्छा दोस्त जो प्लूटो के साथ फार्म पर जाया करता था और वो हमारे फार्म पर ही रहता था। वो घर पर सुबह शाम खाना खाने आया करता था। उसका कोई एक्सीडेंट करके भाग गया। जब कल पता चला तो वो बहुत रो रहा था। उसको एक्सरे कराने लेकर गए। एक्सरे में कुछ ज्यादा पता नहीं चला, बस थोड़ी हड्डी टूट गई थी। डॉक्टर से बात करके इसको दवाई दी, लेकिन इसका रोना बंद नहीं हुआ। इसको दर्द के इंजेक्शन से भी कोई आराम नहीं लगा। फिर मुझे बहुत तेज फीवर हो रहा था। फीवर में भी मुझसे इसका दर्द नहीं देखा जा रहा था, तो मैं इसको एक दोस्त की कार मांग कर घर से 150 किलोमीटर दूर बड़े हॉस्पिटल में इसको दिखाने लेकर गया। रास्ते में रोता चिल्लाता हुआ गया, कभी इधर को लेट जाता कभी उधर को। वहाँ जाकर इसका अल्ट्रासाउंड एक्सरे हुआ, तब पता चला कि इसकी हिप की बोन टूटकर अंदर घुस गई है और अंदर स्टोमेक में भी चोट आई है, जिसकी वजह से अंदर ब्लीडिंग हो गई है और पोटी में भी ब्लड आ रहा है। फिर डॉक्टर ने इसको ड्रिप और हैवी मेडिसिन लगाई। फिर डॉक्टर ने बताया कि इसकी सीरियस कंडीशन है, ऑपरेशन भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये हड्डी बहुत पतली होती है और इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है। तो डॉक्टर ने इसकी दवाइयाँ लिख कर दी और बताया कि जब तक ये ठीक नहीं होता है इसको सुबह शाम ड्रिप में देनी होगी। अब ये बेचारा ड्रिप पर ही जिंदा रह सकता है।